नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं वापस आ रहा था रांची से, मतलब कोलकाता जा रहा हूँ, तो सोचा एक इंसिडेंट हुआ मेरा हाईवे के ऊपर, तो सोचा आप लोग के साथ वो शेयर किया जाए। अब मेरे पास अगर GoPro होता तो मैं वो इंसिडेंट रिकॉर्ड कर सकता था, बट मैं जस्ट बिकॉज मैं GoPro यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे पास है नहीं, तो मैं उस इंसिडेंट को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वरना मेरे उस वीडियो पे कम से कम 4-5 मिलियन व्यूज़ आ ही जाता और मैं आज मतलब वायरल हो गया होता पूरा। तो बात ऐसी है कि मैं आ रहा था रांची से टूवर्ड्स कोलकाता, तो इसी एक क्रॉसिंग पे मतलब मैं पीछे से आ रहा था अपनी बाइक लेके, और ये देखिए मतलब आपको यहीं पे प्रूफ मिल गया। अब सिविक, यहाँ पे जो सिविक वॉलंटियर है वो कहीं साइड में खड़ा होगा, मतलब वो इस तरफ में कहीं पे खड़ा होगा वो, और यहाँ पे गाड़ी ऐसे क्रॉस करी और बाइक ऐसे अभी यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया होता। तो ऐसे क्या था, ठीक ऐसे ही मैं बाइक लेके यहाँ से आ रहा था पीछे की तरफ से, एक सिविक वॉलंटियर वो उस क्रॉसिंग पे खड़ा था जहाँ पे गाड़ी है अभी, वो अचानक से क्या किया उसको तो पता है नहीं, बोले तो ये लोग तो ट्रेंड रहते नहीं है, मुझे पता नहीं है कोलकाता पुलिस वाले ऐसे क्यों करते हैं कि एकदम अनट्रेंड ऐसे सिविक वॉलंटियर्स को ऐसे मतलब क्रॉसिंग्स पे लोग खड़े कर देते हैं, जो कि एक हाईवे का क्रॉसिंग है, यहाँ पे एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा मेजर चांसेस हो सकता है। तो क्या हुआ कि मैं बाइक लेके आ रहा था, वो सिविक वॉलंटियर क्या किया, 4-5 लोगों को क्रॉस कराने के चक्कर में वो अचानक से बीच में आ गया। अब बीच में आके वो क्या किया, पूरा गाड़ी वाड़ी सबको रोक दिया, मेरे बाइक को भी मुझे मतलब ब्रेक मारना पड़ा, 60-70 की स्पीड पे था मैं, और मेरे पीछे जो गाड़ियाँ थी वो काफ़ी स्पीड में थी, उन लोगों को भी एकदम अचानक से ब्रेक मारना पड़ा, और कुछ लोग का तो की क्या चूँ वो टायर से आवाज़ भी आ गई कि वो लोग कितना तेज ब्रेक मार रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्रॉसिंग्स पे जो कि बहुत रिस्की हो सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड प्रोफेशनल्स को रखना चाहिए, आप प्लीज़ हायर करिए। ये देखिए सिविक वॉलंटियर निकला साइड से, ये देखिए अभी निकला, ये देखिए, तो ऐसे चीज़ों, ये देखिए ये अचानक से निकला, अचानक से रोक दिया। तो ऐसे ऐसे लोगों को ना मतलब मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि प्लीज़ आप थोड़ा ट्रेंड प्रोफेशनल्स ये सब क्रॉसिंग्स पे रखिए, क्योंकि ये सब बहुत वाइटल क्रॉसिंग्स होती है यहाँ पे। ये हाईवे से क्रॉसिंग में अगर किसी से एक गलती हो गई तो वहाँ पे फिर बहुत मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, और ये लोग क्या रहते हैं, ये लोग ट्रेंड रहते नहीं है, ये लोग को कब गाड़ी रोकना है, कब हाथ दिखाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ रहना है, ये लोग को कुछ नहीं पता, बस सिविक वॉलंटियर का ड्रेस पहन लेते हैं, पहन के लोग उतर जाते हैं रास्ते में। अब ये लोग भी क्या करें, इनको भी तो पैसा चाहिए। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि प्लीज़ आप प्रॉपर जो सिविक वॉलंटियर्स होते हैं उनको हायर करिए, प्रॉपर मतलब प्रोफेशनल्स को हायर करिए, उनको प्रॉपरली ट्रेन करिए। अगर आप ये सिविक वॉलंटियर्स हायर कर रहे हैं तो इनको प्रॉपरली ट्रेन करिए, ट्रेन करने के बाद ही इनको यहाँ फील्ड में उतारिए, वरना ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते रहेंगे। और ये जो बैरिकेड क्रॉसिंग्स है, आई डोंट थिंक, ये मुझे पता नहीं सब लीगल है कि नहीं है, मुझे पता नहीं। और तो यहाँ पे एक और चीज़, ये देखिए रॉन्ग वे का चक्कर आपको हर जगह मिलेगा। ये देखिए हाईवे है, हाईवे के ऊपर इनको रॉन्ग वे पे चलाना है। तो यही है कि मतलब इंडिया के रास्तों पे रॉन्ग वे, और पता नहीं मुझे ये बैरिकेड्स ऐसे लीगल है कि नहीं है, मतलब हर खास करके वेस्ट बंगाल के आपके हाईवेज पे आपको ये हर 3-4 किलोमीटर पे आपको मिल जाएंगी बैरिकेड्स लगी हुई, वो ड्रम लगा रहेगा या फिर ऐसे बैरिकेड्स रहेंगी। अब ये रिस्क तो काफ़ी ज़्यादा है ये, मतलब ये ऐसे हाईवेज के ऊपर रखना, पर मुझे पता नहीं सब लीगल है कि नहीं। अब जो भी हो, मैं अब यही चीज़ सोचा आप लोग साथ एक बार बात किया जाए, आप लोग साथ शेयर किया जाए, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। प्लीज़ यहाँ हाईवे से थोड़ा आराम से गाड़ी चलाइए, देख समझ के चलाइए, क्योंकि यहाँ पे जो मैनेज करते हैं ट्रैफिक, दे आर नॉट ट्रेंड। तो यही शेयर कर रहा था आपसे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा, एक GoPro परचेज करने की कोशिश करूँगा, ताकि ये सब मैं रिकॉर्ड कर सकूँ और आप लोग के लिए भी ला सकूँ, मेरी 4-5 मिलियन व्यूज़ हो जाए और मैं वायरल हो जाऊँ इंटरनेट पे, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर, मिलते हैं।